हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 12 वालों के लिए फिजिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट VBI है दोस्तों, तो बने रहिएगा दोस्तों इस चैनल के साथ, इस वीडियो के साथ, ताकि आपको जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन बताने जा रहे हैं आप लोग को समझ में आ जाए दोस्तों। और इसी तरह के लेवल रहते हैं आप लोग के एग्जाम में, ये सभी क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड के ऑफिशियल मॉडल सेट पेपर के द्वारा डाउनलोड जारी किया गया है दोस्तों, बिहार सरकार के द्वारा, ठीक है, बिहार बोर्ड के द्वारा। तो यहाँ पे हम जितने भी क्वेश्चन बताने जा रहे हैं ये सभी क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड ने आप लोगों को सिलेक्ट करके दिए हैं कि इसी क्वेश्चन में से आएगा, ठीक है। तो बने रहिएगा दोस्तों इस चैनल के साथ, इस वीडियो के साथ। इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के नीचे जो लाल रंग में सब्सक्राइब बटन है दोस्तों, दबा दीजिए, और दबाने के साथ एक बेल आइकन आएगा उसको भी दबा दीजिए, और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए जानते हैं दोस्तों, और उस मॉडल सेट पेपर को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट बॉक्स में मैंने आप सबको लिंक दे दूंगा दोस्तों, जहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं मॉडल सेट पेपर को, ठीक है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर चेक कीजिएगा। चलिए यहां पे पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी और हिंदी में भी सेम क्वेश्चन रहते हैं दोस्तों, ठीक है, सिर्फ जो है आप लोगों को इसका हिंदी दे दिया जाता है। तो मैं ऐसा करूँगा दोस्तों, आगे के वीडियोज़ में हिंदी और इंग्लिश को साथ करके लेकर आऊँगा, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कितना होता है दोस्तों, फ्री स्पेस का इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी वो भी एब्सोल्यूट वैल्यू कितना होता है, वो होता है 8.85 गुने 10 के पावर -12, ठीक है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। ये होता है आपका फ्री स्पेस का इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। तो यहाँ पे एक का सही उत्तर आपका ए हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी का मान कितना होता है वैल्यू, 8.85 गुने 10 के पावर -12 होता है, और ये आप लोग याद कर रहे कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कूलम स्क्वायर फोर्स पर मीटर, ठीक है, ये भी होता है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि कूलम्स फोर्स बिटवीन क्या है दोस्तों, कूलम्स फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेज वेरिएज विथ डिस्टेंस आर बिटवीन देम एज क्या होता है दोस्तों कूलम फोर्स का, ठीक है। तो वो जो वेरीज करता है डिस्टेंस, तो वो वेरीज करता है 1/r² के बराबर। जानते होंगे दोस्तों उसका जो फॉर्मूला होता है कूलम फोर्स का, एफ बराबर होता है, ठीक है, Q1/Q2/4, जैसे 1/4π ε0 होता है, ये तो कांस्टेंट रहता है दोस्तों, उसके साथ जो है Q1 × Q2/r² होता है, ठीक है। तो देखिए वेरी जो करता है 1/r² के बराबर, तो यहाँ पे दो का सही उत्तर आपका डी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, 1/r². फिर तीन नंबर आ जाता है दोस्तों कि SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल डायपोल मोमेंट, देखिए SI यूनिट भी पूछा जाता है दोस्तों आप लोगों को, ठीक है। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल डायपोल मोमेंट इज, तो कितना होता है दोस्तों इसका SI यूनिट क्या होता है, तो ये होता है आपका कूलम मीटर, ठीक है, कूलम मीटर होता है इलेक्ट्रिकल डायपोल मोमेंट का। तो यहाँ पे सही उत्तर आपका तीन का सी हो जाएगा। चार नंबर देखते हैं दोस्तों, बताया जा रहा है यहाँ पे डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ डाई इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, बीमीय सूत्र क्या होता है दोस्तों इसका, तो ये होता है आपका यहाँ पे ML(t⁻³) और (a⁻¹), ठीक है, इसका फॉर्मूला जानते होंगे दोस्तों डाई इलेक्ट्रिक अस्त्यंत का, तब आप लोग निकाल सकते हो डायमेंशन फॉर्मूला। इसका अगर आप लोग जानते होंगे SI यूनिट या फॉर्मूला जानते होंगे दोस्तों, इसी से आप लोग का डायमेंशन फॉर्मूला निकाला जाता है, काफ़ी इजी है दोस्तों निकालना, बशर्ते आपको इसका SI यूनिट याद रहना चाहिए, ठीक है। देखिए फिर पाँच नंबर आ जाता है दोस्तों कि 64 आइडेंटिटिकल ड्रॉप्स इच ऑफ कैपेसिटी 5 μF कम्बाइन टू फॉर्म ए बिग ड्रॉप, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द बिग ड्रॉप, ठीक है, 64 आइडेंटिकल ड्रॉप है जिसमें से 5 μF जो है सभी से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है, जिसका मान है 5 μF कम्बाइन है एक बड़े कैपेसिटर से, ठीक है, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द बिग ड्रॉप, तो बिग ड्रॉप का यहाँ पे कैपेसिटर हो जाएगा दोस्तों, कैपेसिटी ये हो जाएगा आपका 20 μF, ठीक है। देखिए 64 आइडेंटिकल ड्रॉप है जिसमें से प्रत्येक का मान जो है यहाँ पे 5 μF है, जो बड़े ड्रॉप से जुड़ा हुआ है, कंबाइन हुआ है, तो यहाँ पे बिग ड्रॉप का जो वैल्यू पूछा जा रहा है तो वो 20 μF। इसको बनाओगे दोस्तों आप लोग फॉर्मूला के माध्यम से, जैसे आप लोग जानते होंगे पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन जो जानते होंगे,
ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे कैपेसिटर में भी होता है पैरेलल कैपेसिटर, ठीक है, और सीरीज कैपेसिटर। उसी तरह से यहाँ पे 20 माइक्रोफेरेड आ जाएगा। तो यहाँ पे पाँच का सही उत्तर आपका सी, मैंने आंसर यहाँ पे बता दिया, आप लोग निकाल सकते हो। देखिए 6 नंबर है दोस्तों कि किलो वाट घंटा, किलो वाट आवर, KWH इज द यूनिट ऑफ, किसका है दोस्तों किलो वाट घंटा। तो ये जो मात्रक है आपका किलो वाट घंटा, ये है आपका इनर्जी का, ठीक है, इनर्जी का किलो वाट घंटा। उसके बाद इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है दोस्तों, बहुत सारे इनर्जी का जूल भी होता है, इनर्जी का बहुत सारे यूनिट होता है। उसके फॉर्मूला पर जो है क्या क्या हम बदल सकते हैं, उसको किस किस में हम निरूपित कर सकते हैं, उस तरह से इसका फॉर्मूला बन जाता है। और इसका SI यूनिट भी अलग अलग होता है। तो किलो वाट आवर ये इनर्जी का ही SI यूनिट है, ठीक है, SI यूनिट जूल है दोस्तों, ठीक है। लेकिन यूनिट यहाँ देखिए SI यूनिट और यहाँ पे जूल नहीं ना है, देखिए इनर्जी का यहाँ पे किसका यूनिट है, तो ये किलो वाट आवर का यूनिट है इनर्जी। तो यहाँ पे 6 का सही उत्तर आपका ए। तो ये 7 नंबर है दोस्तों कि द रेसिस्टिविटी ऑफ ए मेटेलिक वायर इज पी, दिया है दोस्तों मेटेलिक वायर का रेसिस्टिविटी दिया है, व्हेन इट्स लेंथ इज अ डबल, जब इसका हम लेंथ को डबल करते हैं उस वायर को जिसका पी है लेंथ, इट्स न्यू रेसिस्टिविटी कितना हो जाएगा। तो जानते होंगे दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है एक रेसिस्टिविटी प्रतिरोधकता, ठीक है, तो उस फॉर्मूला पर आप लोग निकालोगे। तो इसका जो अगर डबल करते हैं इसको वायर को लेंथ को, तो इसका न्यू रेसिस्टिविटी हो जाता है दोस्तों क्या, ये पी ही रहता है, ठीक है। देखिए रेसिस्टिविटी तो वहाँ पे, तो दोस्तों यहाँ पे 7 का सही उत्तर आपका डी हो जाएगा, ठीक है, पी। देखिए इसका फॉर्मूला जो होता है आर बराबर रो होता है और एल बाय ए होता है। अगर लेंथ को हम दोगुना करते हैं यहाँ पे दोस्तों, ठीक है, और मेटेलिक रेसिस्टिविटी दिया हुआ है यहाँ पे पी, तो द न्यू रेसिस्टिविटी यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, पी ही हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 का सही उत्तर आपका डी हो जाएगा, ठीक है, इसका आप वैल्यू निकाल सकते हो। 8 नंबर है दोस्तों कि एक करेंट फ्लोज इन अ वायर ऑफ रेसिस्टेंस 5 ओम हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 7 वोल्ट फॉर 20 मिनट्स, द हीट प्रोड्यूस्ड, इसका भी फार्मूला होता है दोस्तों। जब रेसिस्टेंस दिया रहता है और पोटेंशियल डिफरेंस दिया रहता है और टाइम दिया रहता है, तो इसका फार्मूला हीट का होता है दोस्तों। तो यहाँ पे फार्मूला जो होता है दोस्तों एच बराबर आई स्क्वायर आर टी होता है, जहाँ से आप लोग निकाल सकते हो इसका हीट का। तो इसका सही उत्तर मैं आप लोग को बता देता हूँ, 2800 कैलोरी आ जाएगा एच बराबर आई स्क्वायर आर टी पर अगर आप लोग निकालोगे, ठीक है दोस्तों, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, ठीक है, रेसिस्टेंस टाइम एंड पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे मान निकालना पड़ेगा दोस्तों यहाँ पे आई का पहले, ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, तो आप लोग निकाल सकते हो इसका वैल्यू, 2800 कैलोरी इसका सही उत्तर है। 9 नंबर है दोस्तों यहाँ पे कि रेसिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर, देखिए आइडियल एमीटर का जो रेसिस्टेंस होता है वो होता है दोस्तों आपका 0 होता है, ठीक है, आइडियल आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, 0 होता है। यहाँ पे 9 का सही उत्तर आपका बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों, पूछा जा रहा है यहाँ पे अ साइक्लोट्रॉन इज यूज टू एक्सीलरेट, अ साइक्लोट्रॉन इज यूज टू एक्सीलरेट क्या होता है दोस्तों यहाँ पे, तो ये जो होता है आपका यहाँ पे पॉजिटिव आयंस होता है, ठीक है, पॉजिटिव आयंस के रूप में यहाँ पे यूज किया जाता है एक्सीलरेट। यहाँ पे 10 ए साइक्लोट्रॉन इज यूज टू एक्सीलरेट पॉजिटिव आयंस, यहाँ पे 10 का सही उत्तर आपका ए हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। फिर यहाँ पे 11 नंबर दोस्तों है क्वेश्चन कि टेस्ला इज द यूनिट ऑफ, टेस्ला इज द यूनिट ऑफ किसका होता है टेस्ला, तो जानते होंगे आप लोग पढ़े होंगे दोस्तों टेस्ला जो यूनिट होता है मैग्नेटिक फील्ड का होता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का, और एक टेस्ला बराबर गॉस बराबर कितना होता है 10^4 गॉस होता है, ठीक है, तो जानते होंगे टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड, ये काफ़ी बार पूछता है दोस्तों टेस्ला किसका यूनिट है। फिर 12 नंबर हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा कि अ चार्ज्ड पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड हैज इंक्रीज्ड इन इट्स वेलोसिटी देन इट्स रेडियस ऑफ द सर्कल, क्या होता है दोस्तों जब कोई चार्ज पार्टिकल मूविंग कर रहा है किसी मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, और जिसका वेलोसिटी जो है यहाँ पे देख लीजिए बढ़ रहा है, देन इट्स रेडियस ऑफ द सर्कल,
तो यहाँ पे इसका इंक्रीज हो जाता है दोस्तों, ठीक है। रेडियस सर्कल का जो त्रिज्या होता है, रेडियस होता है, वो बढ़ने लगता है। ये चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड हैज़ इंक्रीज इन इट्स वेलोसिटी, ठीक है, बढ़ता है उसके वेलोसिटी के साथ। देन इट्स रेडियस ऑफ द सर्कल, तो इसका सर्कल का जो रेडियस है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा या फिर इंक्रीज होगा, फिर रिमेंस द सेम होगा या फिर उसका हाफ हो जाएगा, तो वो इंक्रीज होता है, ठीक है दोस्तों, बढ़ने लगता है। तो यहाँ पे हम लोग दोस्तों 12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए हैं, ठीक है, और इससे आगे के जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी, और ये सभी क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया हुआ है, और इसी तरह के पैटर्न रहते हैं दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, उम्मीद करते हैं आप सभी को पसंद आ गया होगा, कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। दोस्तों क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के मैथ्स और 11th और 12th के केमिस्ट्री और फिजिक्स का भी वीडियो सोल्यूशन पाइए डॉक्टर के व्हाट्सएप नंबर 8400400400 पर। किसी भी तरह का प्रश्न फोटो खींच के भेजिए दोस्तों, और वीडियो सोल्यूशन पाइए 10 सेकंड के अंदर, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।